आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उसके अलावा उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पहुंच चुके हैं। इस वक्त सदन से आप देख पाएंगे कि ये काफिला पहुंच चुका है योगी आदित्यनाथ का, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी शपथ समारोह के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे डिप्टी सीएम भी मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों जो है मौजूद है, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद है, और ये काफिला उत्तर प्रदेश सदन के अंदर जा चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख पाएंगे और इसके बाद जो है मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद बड़ी बैठक आज दिल्ली में होगी जिसपे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये सीधे तस्वीरें आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सदन से, जहां पर योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है, और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होगी और साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बताया ये भी आ रहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो सदस्य है वो योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार दिल्ली। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस वक्त आप सुन रहे हैं भारत समाचार पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली पहुंचे हैं ये सभी नेता, और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है दिल्ली में। आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी आज बैठक होनी है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त चार सदस्यों की सीट ये खाली है। और इस वक्त हमारे साथ कुमार पुष्कर, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कुमार आज जो होने जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच चुके हैं, और उनका फ्लीट जो है वो आ चुका है, और एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री आगे बैठे हुए थे और दोनों डिप्टी सीएम पीछे बैठे हुए थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि दोनों डिप्टी सीएम एक साथ मुख्यमंत्री के साथ यूपी सदन पहुंचे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7:30 बजे एक बड़ी बैठक है उत्तर प्रदेश को लेकर, कि किस तरह से कामकाज हो प्रदेश में और क्या प्राथमिकताएं तय हो, उसको लेकर एक बड़ी बैठक है। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उसके बाद जो तमाम समय है वो आरक्षित है मुख्यमंत्री के लिए, तमाम लोग जरूर मिलने आएंगे उस बीच में। लेकिन 7 बजे ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के दौरे पर जेपी नड्डा थे, और उसके बाद ही एक बड़ी बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बंसल के अलावा जो महामंत्री हैं सुनील बंसल, उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस तरह की प्राथमिकताएं होगी दूसरे कार्यकाल की, किस तरह का काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष चुनना, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको चुनना, संगठन का काम होगा कि उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के बदलाव होने हैं, और साथ तौर पे ट्रांसफर और पोस्टिंग, चूंकि कई जो बड़े माफिया हैं उन पर बुलडोजर तो चला है, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी हंटर चला है, तो कहीं ना कहीं कामकाज की दिशा इसी दिल्ली के जो जेपी नड्डा का आवास है वहाँ तय की जाएगी कि आखिरकार इन 5 सालों में सरकार की क्या ब्लूप्रिंट होगा, किस तरह के काम होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और जो हाई कमान है इस वक्त दिल्ली के यूपी सदन पहुंच चुका है। इसके अलावा जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बैठक होगी, मुद्दे क्या कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है कुमार पुष्कर?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो संसदीय बोर्ड है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम 11 वरिष्ठ नेता उस बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो खासतौर से 4 सीटें अभी भी रिक्त हैं, चूंकि अरुण जेटली और तमाम नेता के निधन के बाद वो 4 सीटें खाली हो गई थी। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई है, उनका कद जरूर बढ़ा है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करने की बात भी आज इस पूरे दिल्ली के बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन साफ तौर पे यह कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। जी बिल्कुल कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में जो बैठक है वो लगातार चल रही है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है और संसदीय बोर्ड ही तमाम रणनीतियों को बनाएगा। हम इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। अलीगढ़ में गरीबों के राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने 31 टन राशन के